फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल गोयल। मैं सिर्फ आपसे आज यही बात करना चाहता हूँ कि आप अपना ट्रांसप्लांट किसी भी ऐसे क्लिनिक से ना कराएं जहाँ पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना ट्रांसप्लांट सिर्फ ऐसे ही क्लिनिक से और ऐसे ही डॉक्टर के पास कराएं जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो, जहाँ पे ट्रांसप्लांट रूटीन में होता हो, जहाँ पे डॉक्टर की एक्सपर्टाइज हो, जहाँ पे आपको बैकअप का इंतज़ाम हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि नहीं, मेरा जो ट्रांसप्लांट है वो एक सेफ हैंड्स में है। आजकल मार्केट में आपने देखा है कितने ज़्यादा फर्जीवाड़े हैं, किसी का कोई सिस्टम नहीं है। दो बंदे इकट्ठे हुए, उन्होंने जाके ट्रांसप्लांट का क्लिनिक खोल दिया, किसी डॉक्टर की नेम प्लेट लगा दी और वहाँ पे वो अपना करते रहते हैं। उनको ना ट्रांसप्लांट की ABC पता है, ना उनको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तब उनको कुछ चीज़ का आइडिया कि इसको संभालना कैसे है। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे नॉन टेक्निकल बंदों के ठीक किए हैं और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उनमें से एक क्लाइंट ना बन जाओ, क्योंकि ट्रांसप्लांट आपने सिर्फ एक ही बार कराना है और थोड़े से कम पैसों के चक्कर में आप अगर ऐसी गलती करेंगे तो नुकसान बाद में आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसमें आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा, कल को कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तब भी आपकी सारी उम्र के लिए आप दिक्कत हो जाएगी आपको। तो मैं फिर आपसे बार बार एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास ही जाके आप अपना ट्रांसप्लांट कराएं, वही आपको एक बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दे सकता है और आपकी केयर भी पोस्ट ऑप प्रॉपरली रहती है। अगर आप किसी ऐसे क्लिनिक पे जाते हैं जहाँ पे हफ्ते में दो ट्रांसप्लांट होते हैं या महीने में एक ट्रांसप्लांट होता है, वहाँ पे ना तो स्टाफ होता है बाद में फॉलोअप के लिए, ना कुछ और होता है, तो फिर वो दिक्कत आती है उसमें। तो कहने का मतलब ये कि प्रॉपरली जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक है, जहाँ पे एक पे एक डॉक्टर बैठते हैं ट्रांसप्लांट के टाइम और डॉक्टर क्या क्या प्रोसीजर, डॉक्टर अपने ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं, डॉक्टर की सुपरविजन में ट्रांसप्लांट होता है, वहाँ पे आप जाके ट्रांसप्लांट कराएं ताकि आपका जो डोनर एरिया है वो भी ना खराब हो और जो आपका रिजल्ट है वो अच्छा है। थैंक यू।